नमस्कार, स्वागत आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए बड़ी खबर की सबसे पहले एक बात करेंगे और बात कर रहे हैं हम दिल्ली में इंडी गठबंधन की चौथी बैठक की। चौथी बैठक दिल्ली में इंडी गठबंधन की चल रही है और इसमें कांग्रेस समेत विपक्ष की कुल 27 पार्टियां शामिल हुई हैं। इस बैठक में ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव समेत प्रमुख नेता मौजूद हैं। आज की बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनेगा। इसके साथ ही पीएम फेस के नाम पर भी मुहर लग सकती है, ये माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में राज्यों के चुनाव में कांग्रेस फेल रही, तो ऐसे में ये बैठक 2024 के मद्देनजर विपक्ष के लिए और ज्यादा अहम मानी जा रही है। दिल्ली से पहले इस इंडी गठबंधन की पटना, बंगलुरु और मुंबई में भी मीटिंग हो चुकी है और ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस बार अखिलेश यादव यूपी की अगुवाई का अपना खाका पेश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी में अपनी पार्टी और गठबंधन में शामिल अन्य दलों के लिए सीटों का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। तो यह बड़ी खबर, एजेंडा क्या है? इंडी गठबंधन की बैठक होने जा रही है और एजेंडा क्या है, सवाल यही है। अमितेश दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे जानकारी लेते हैं। अमितेश, बैठक के बारे में क्या कुछ एजेंडा सेट हो गया है, क्योंकि हाल ही के जो चुनाव नतीजे आए हैं कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे गए हैं और जब चुनाव हुए थे तब भी इस गठबंधन पर सवाल उठा रहा था सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और अब फिर से बैठक होने जा रही है। देखिए, इस बैठक का सबको इंतजार था और खास तौर से कांग्रेस ने चुनाव के दौरान भी, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चुनाव चल रहा था, राजस्थान का चुनाव चल रहा था, उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से, उसके अध्यक्ष की तरफ से ये स्टेटमेंट देखने को मिला था कि चुनाव संपन्न हो जाए उसके बाद हम लोग इंडिया गठबंधन को लेकर के आगे बढ़ेंगे, उसकी बैठक होगी। चूंकि नीतीश कुमार की तरफ से सवाल खड़ा किया गया था बीच में ही कि कोई बैठक ही नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है, तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि हम लोग इलेक्शन में अभी बिजी है, विधानसभा चुनाव में, उसके बाद आगे बैठक होगी। कहीं कांग्रेस के भीतर एक स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की अपनी और कांग्रेस को लग रहा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अगर अच्छा परिणाम हमारे पक्ष में आता है तो उसके बाद हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ये सोर्स बता रहे हैं जिसके मुताबिक हम आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस को ऐसा लगता था, इस बात का अंदाजा था कि बेहतर परफॉर्मेंस के बाद हम लोग अपने सहयोगी दलों से बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, लेकिन चुनाव परिणाम जो आया वो कांग्रेस के लिए उत्साहवर्धक नहीं रहा। तेलंगाना में उसे जीत मिली लेकिन उसके हाथ से छत्तीसगढ़ निकल गया, उसके हाथ से राजस्थान निकल गया और मध्य प्रदेश को लेकर जो कांग्रेस ने उम्मीद लगाए बैठी थी, कांग्रेस की पिछली बार का परफॉर्मेंस 2018 की तरह रिपीट होगा और टफ फाइट में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, वैसा हुआ नहीं। कांग्रेस हारी और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई मध्य प्रदेश में भी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए काफी झटका है। और उसके बाद जो बैठक हो रही है तो सहयोगी दल जो है, जो क्षेत्रीय दल है, उनकी तरफ से ये कोशिश है कि हम लोग इसमें ज्यादा लीड करें और कांग्रेस बैक सीट पर रहे, ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट होगा। अखिलेश यादव के साथ क्या ये मान सकते हैं कि इस बैठक में बाकी जो सहयोगी दल है कांग्रेस के साथ के, वो सब मिलकर कांग्रेस के ऊपर एक प्रेशर बनाने का काम करेंगे सीटों की शेयरिंग को लेकर, खास तौर पर क्योंकि मध्य प्रदेश में सीटें मांगी गई थी, बात नहीं बन पाई, नतीजा हमने देखा, तो क्या कांग्रेस पर आज दबाव बनाने की कोशिश होगी इस बैठक में, मान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से जो बातें कही गई थी उसके बाद जब सहयोगी दलों की अगर हम बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या फिर नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव हों या फिर ममता बनर्जी हों, स्टालिन हों, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से ये कोशिश जरूर की जा रही है। ठीक है, कोशिश जरूर की जा रही है, अब देखना होगा कि इस बैठक में आगे आगे क्या होता है, अपडेट आपको करते रहेंगे। बढ़ते आगे, अगली खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा है और प्रोटेम स्पीकर ने विधायकों को आज शपथ दिलाई है। 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होना है और 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ सकती है। विधानसभा में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है। बीते दिनों संसद में जो देखने को मिला सुरक्षा को लेकर के, और उसके बाद अब भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है, 3 दिनों का ये सत्र है। 20 तारीख को राज्यपाल का अभिभाषण होगा, 21 दिसंबर को माना यह जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा रखी गई है और 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ सकती है, क्योंकि कई सारे वायदे जो किए हैं चुनाव में उनको पूरा करना है, जिसमें
3100 रुपए में धान खरीदने की भी बात है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अनुपूरक बजट सरकार लेकर आ सकती है। विधानसभा का ये सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है ये। विधानसभा में आज मेरा पहला दिन है। जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ यहाँ पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए भेजा है, पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। आज गमछा बांध के आए, उसके पीछे क्या है? हाँ जी, मैं गमछा हमेशा बांधते रहा हूँ, आप लोगों ने भी देखा है। आज नया अंदाज है। हाँ बिल्कुल, मैं प्योर छत्तीसगढ़िया हूँ, गांव का बेटा हूँ, गांव से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है और इसलिए आज उसी वेश में। धन्यवाद दिया। और डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष आज सर्वसम्मति से निर्वाचित कर लिए गए, चुन लिए गए। अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से आज संपन्न हो गया। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का पहला दिन, और वैसे आपको बताते हैं कि स्पीकर के लिए उन्होंने पहले जब नॉमिनेशन किया था तो प्रस्तावक के तौर पर डॉक्टर चरण दास महंत, जो पहले स्पीकर थे कांग्रेस की सरकार में, वो अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। और दूसरी तरफ देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और आपको बता दें कि प्रस्तावक के साथ ही समर्थक भूपेश बघेल बने और सर्वसम्मति से जैसे कि परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन हुआ। जो अपनी भावना प्रकट किया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है, और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा, ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्रम विधानसभा में, इस पवित्र सदन में आपको अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और हम लोग सब कामना करते हैं कि आप हम सबके संरक्षक के रूप में यहाँ रहें, विराजें। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है, प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपके आपको साथ है, हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष चुने पर आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही लंबा राजनीतिक यात्रा आपकी रही, मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य और राज्य मंत्री के रूप में, और फिर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का आपका कार्यकाल रहा है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं, आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक हुई, और कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज रखी गई है। कांग्रेस विधायक दल की दूसरी बैठक नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत के निवास पर होने वाली है, और शाम 7 बजे
विधायक दल की यह बैठक रखी गई है। विधानसभा सत्र में तैयारियों को लेकर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। बड़ी खबर आप आज शाम को 7 बजे नेता प्रतिपक्ष के निवास में माननीय चरणदास महंत जी हमारे नेता प्रतिपक्ष 7 बजे आहूत किए गए हैं और हमारे पूरे विधायक कांग्रेस विधायक उपस्थित रहेंगे और आगामी जो सत्र होना है छत्तीसगढ़ विधानसभा में उनके लिए एक नया रूपरेखा बनाएंगे और सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों स्थिति में कांग्रेस पार्टी एक नई रणनीति के साथ लड़ाई लड़े इसके लिए हम लोग रणनीति बनाए। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है। यूपी में बंधक बनाए गए पहाड़ी कोरवा जनजाति के 15 लोगों के बारे में पत्र लिखा है और उन्होंने इस सरकार से मांग की है कि बंधकों को फौरन रिहा किया जाए। सरगुजा क्षेत्र में पहाड़ी कोरवा जनजाति दरअसल रहती है। दीपक बैज ने बयान दिया है, योजना बंद होने की आशंका पर कहा है कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण योजना हो सकती है। आज विभिन्न समाचार माध्यमों से हम लोग संज्ञान में आया है कि हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र के लगभग 15 से अधिक पहाड़ी कोरवा जनजाति के युवाओं को उत्तर प्रदेश के बागपत में बंधक बनाकर रखा गया है, जो कि हमारी पहाड़ी कोरवा जनजाति माननीय राष्ट्रपति द्वारा संरक्षित जनजाति समूह है। इनका संरक्षण और सुरक्षा देना शासन का महत्वपूर्ण दायित्व है। इस तरह से एक हमारे प्रदेश के लिए बड़ी घटना है, इसलिए मैं एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और एक आदिवासी होने के नाते मैंने राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा हूं ताकि राज्य शासन उनको जल्द अज जल्द संज्ञान में ले ले। और इधर रायपुर से ही बड़ी खबर बता रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना जो कांग्रेस की सरकार में चलती थी इस पर बयान आया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का और उन्होंने योजना बंद होने की आशंका पर यह कह दिया है कि कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण योजना थी बिजली बिल हाफ और बिजली बिल हाफ होना चाहिए। कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना था गांव गरीब के लिए और सभी वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों के लिए कि बिजली बिल हाफ होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसको बंद करने में लगातार उनकी बयानबाजी आ रही है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो लागू की गई बिजली बिल आफ योजना उसका लाभ बिजली उपभोक्ताओं और ग्रामीणों को सब लोग को इसका लाभ मिलना चाहिए। आगे बात अगली खबर की करेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस ने कमेटी का गठन कर दिया है। नेशनल अलायंस कमेटी का गठन किया गया कांग्रेस की तरफ से, लोकसभा चुनाव को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है और दूसरी पार्टियों से बातचीत ये कमेटी करने का काम करेगी। इस कमेटी में भूपेश बघेल, अशोक गहलोत शामिल किए गए हैं। इसके अलावा मुकुल और सलमान खुर्शीद के साथ ही मोहन प्रकाश को भी शामिल किया गया। 2024 को लेकर कांग्रेस ने ये टीम या कमेटी जो है वो गठित की है। दूसरी पार्टियों के नेताओं से ये कमेटी बात करेगी। नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर दिया गया है। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले यह ऐलान किया गया, दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक एक तरफ शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ कमेटी बना दी गई है। रायपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर भर्ती परीक्षा से पहले मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। 12वीं पास मुन्ना भाई ग्रेजुएट परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। 2 लाख रुपए लेकर परीक्षा देने के लिए शातिर पहुंचा हुआ था। आरोपी बायोमेट्रिक जांच पर फिंगरप्रिंट मेल नहीं खाने से इसकी पोल खुल गई। शिक्षक ने आरोपी मुन्ना भाई को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
वहीं दुर्ग की बात करते हैं, जहां पर कार से युवक को घसीटा गया है। कार से 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया। मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। कार और बाइक में दरअसल टक्कर हो गई थी और इस टक्कर के बाद कार सवार ने युवक को घसीटा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। तस्वीर देखिए, गाड़ी का नंबर साफ तौर पर नजर आ रहा है और इसमें 3 किलोमीटर तक इस युवक को घसीटा है। कार बाइक की टक्कर हो गई और उसके बाद गुस्से में आकर यह वारदात की गई। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, एक की तलाश जारी। इधर अंबिकापुर में गर्भवती महिला का वीडियो वायरल हुआ है। सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और इसके चलते महिला को खाट पर लेटा करके 112 डायल, जो 112 एम्बुलेंस है उस तक पहुंचाया गया। 1.5 किलोमीटर तक ऐसे ही महिला को खाट पर ले जाया गया। ये रनपुर कला का गांव का ये मामला बताया जा रहा है। प्रसव पीड़ा से ये महिला तड़प रही थी। अंबिकापुर से ये खबर आपको बता रहे हैं और महिला का वीडियो वायरल हुआ है। ऐसी घटना पहले भी सामने आ चुकी है कि एम्बुलेंस को फोन किया जाता है, एम्बुलेंस पहुंच तो जाती है लेकिन आगे रास्ता खराब होने की वजह से एम्बुलेंस मरीज तक नहीं पहुंच पाती और ऐसे फिर मरीज के परिजनों को एम्बुलेंस तक कुछ इसी तरीके से जुगाड़ का सहारा लेकर मरीज को पहुंचाना पड़ता है। एक और खबर बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर बाइकर गैंग का आतंक छाया हुआ है। पेट्रोल बम फेंक कर दहशत फैलाई है बाइकर गैंग ने और इनकी ये घटना, इनकी ये वारदात जो है ये सीसीटीवी में कैद हो गई है। महामाया मंदिर के रास्ते पर इन्होंने ये वारदात अंजाम दी है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बाइकर गैंग बताया जाता है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उधर जशपुर में बदमाश ने युवक को पीटा है। बीच सड़क पर युवक की पिटाई की गई है और पिटाई करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में कर दी है और पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में अब जुटी हुई है। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। उबलती खीर में तीसरी कक्षा के छात्र के गिरने के मामले में अब जाकर जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राचार्य और मध्यान्ह भोजन प्रभारी को इस मामले में निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि बच्चे के खीर में गिरने के बाद स्कूल प्रबंधन ने बच्चे को अस्पताल ले जाने के बजाय उसके घर भेज दिया था। हादसे में 9 साल का छात्र बुरी तरह से झुलसा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने इस मामले में यह कार्रवाई की। तो तत्काल बीओ को उनको जांच के लिए भेजा तो आज गए हैं बीओ साहब, वहां जांच कर रहे हैं, प्रतिवेदन भेजेंगे। ये संबंध में हमने उनके प्रधान पाठक से बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने उसको बुलाए हैं डॉक्टर को और मलहम वगैरह लगाए, ऐसा करके बता रही थी वो। और फिर भी उनकी ओर से हमने देखा तो उनको बताया कि इस प्रकार से खड़ा होकर लाइन लगाकर ऐसा ना किया करें, मध्याह्न भोजन को बैठा कर सुव्यवस्थित ढंग से वितरण करें तो इस प्रकार की घटना नहीं होगा। और इसमें स्पष्ट रूप से प्रधान पाठक का और मध्याह्न भोजन प्रभारी की लापरवाही स्पष्ट हो रहा है, तीन के ऊपर आज तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। और आपको अब हादसे की दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। जगदलपुर में भीषण सड़क हादसा पेश आया जहां पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 2 लोगों की जहां जान चली गई तो जशपुर में एक एम्बुलेंस पलट गई जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई जबकि एक अन्य शख्स घायल हो गया। और बड़ी खबर की करेंगे बात। ग्वालियर से एक बड़ी खबर है जहां पर छात्र इमरान हत्याकांड में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है।
फरार आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। बीते सप्ताह छात्र की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें मुख्य आरोपी अभी तक फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वहीं जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला हुआ है। पैरामेडिकल कोर्स 2023-24 का सत्र जीरो घोषित कर दिया गया है। इस सत्र में कोई एडमिशन नहीं होगा। 15,000 से ज्यादा छात्रों पर इससे असर होने वाला है। सत्र कैलेंडर सुधारने के लिए फैसला किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी का फैसला, पैरामेडिकल कोर्स 2023 और 24 का सत्र जीरो घोषित किया गया है। और आइए आप देखते हैं खबरों का 2020। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रोटेम स्पीकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। रमन सिंह बने विधानसभा अध्यक्ष। सर्वसम्मति से हुआ निर्वाचन।